हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरी बेटी अभी मेरे पास ही रह रही है, नहीं जा रही है करिश्मा के पास, तो सोची आप लोगों से इसको लिए लिए बातें कर लूं। मैं मछली बनाने जा रही थी तो सोची आप लोगों से क्यों ना शेयर कर दूं फिश रेसिपी। मैं गांव स्टाइल में आज बना रही हूँ, आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि मेरे घर में और मेरी दादी कैसे मछली और मेरी मम्मी मछली कैसे बनाती थी। आज आप लोग वो स्टाइल में मैं आप लोगों को बना के दिखा रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये फिश है। ये फिश मैंने साथ अच्छे पानी से धो के रख लिए हैं और इसमें मैं हल्दी मिला के रख दी और थोड़ी सी सरसों की तेल। इसमें हल्दी इसलिए मिला दी क्योंकि ये आए हुए अभी से आधे घंटे हो गए और मैंने इसको धो के रख दिया था, और हल्दी मिलाने से मछली थोड़ी फ्रेश रहती है, मतलब ये खराब नहीं होती है जल्दी ये हल्दी मिलाने से, तो इसलिए मैं इसमें हल्दी मिला के रख ली। और इसके मैंने मछली के लिए मसाले तैयार रखे हैं। ये लहसुन है, ये लाल मिर्ची है और ये पीली सरसों है। काली सरसों भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काली सरसों इसलिए नहीं डालती क्योंकि वो मसाले में ना थोड़े दिखने लगते हैं काले काले, तो ये मैंने पीली सरसों इसलिए यूज करती हूँ। ये काली मिर्च है और ये जीरा है। अब मैं आप ये सारे को पीस लेती हूँ, फिर मैं आप लोग आप देख सकते हैं ये, फिर मैं इसमें पीस ले रही हूँ। आप ये देख सकते हैं मैं इसमें मिला ली सारे चीज, आप देखिए इसमें मैंने सारा मिक्स कर ली। अब मैं इसको पीसने जा रही हूँ। ये तेल गर्म हो गया है और इसमें मैं लहसुन डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं, क्योंकि ना लहसुन मछली का जो गंध होता है मछली वो थोड़ा कम करता है, तो इसमें मैं डाल दी लहसुन। ये लहसुन को बहुत ज्यादा लाल नहीं होने देंगे, बस सुनहला कलर का होगा, तो अब मैं ये डाल दूँ। ये देख सकते हैं फ्राई कर दूँ मैं फिर। ये देख सकते हैं ये फ्राई हो गया, तो इसको मैं पलट दूंगी क्योंकि दोनों तरफ तो सीजना है। दोनों साइड से पकना जरूरी है। थोड़ा आराम से ये भी फ्राई हो गया, तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ। सारे मछली फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। और इसमें मैं ये फोरन डालूंगी, जीरा, सरसों और मेथी का, आप ये देख सकते हैं। इसमें तेज पत्ता डालूंगी, मैं मसाले को फ्राई करूंगी अच्छे से, इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। देख सकते हैं मसाला फ्राई हो गया, ये देख सकते हैं। ये मसाला फ्राई हो गया, अब मैं इसमें पानी
पानी ऐड करूंगी ग्रेवी, क्योंकि मुझे ग्रेवी बनाना है तो इसमें मैं पानी मिलाऊंगी। मसाला पूरी अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अब मैं इसमें पानी मिलाऊंगी। आप देख सकते हैं ये देखिए इसकी पानी अच्छे से उबल रही है, तो मैं इसमें फिश को डालूंगी। आप ये देख रहे हैं देख सकते हैं ये फिश बनके रेडी हो गया। तो इसको इसमें मैं लास्ट में ये धनिया का पत्ता ऐड कर दूंगी। ये देखिए फिश रेडी हो गया बनकर, और आप इसे चावल, आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के भी साथ, जिसके मन है उसके साथ खाओ और एंजॉय करो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। और ये आप लोगों की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।